नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रेस न्यूज। बाकी है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का, जहां हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जगपति ठाकर ने आईजीएमसी में हुए खाना वितरण के टेंडर के घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहतों को फायदा पहुँचाने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगाया है। उन्होंने कहा कि हाल में जो टेंडर किया गया है, उसे पहले सरकार 2 करोड़ में करती थी, लेकिन एक निजी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए अब उस टेंडर को 5 करोड़ में आवंटित कर दिया गया है, जिससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है। उन्होंने सरकार से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा है कि अगर सरकार इस मामले पर अपना पक्ष नहीं रखती है, तो आने वाले दिनों में युवा कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव करने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं दूसरी ओर आईजीएमसी प्रशासन का कहना है कि खाने का काम आउटसोर्स करने का डिसीजन आरकेएस की बैठक में हुआ था और अभी इस बारे में ई टेंडरिंग के बाद टेंडर अवार्ड नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पिछले साल से जो टेंडर प्रक्रिया चली हुई थी खाना वितरण को लेकर आईजीएमसी में, जिसको आज तक जो है प्रदेश सरकार खुद चला रही थी, फिर इन्होंने किसी कंपनी को ये काम देने के लिए जो है टेंडर इनवाइट किए और टेंडर में सिर्फ उन्हीं कंपनियों के फायदा पहुंचाने के लिए, उन्हीं कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम और शर्तें बनाई गई और प्रत्यक्ष तौर पर जिस ठेकेदार ने यहाँ पे भाग लिया, जिस ठेकेदार को यहाँ पे काम मिला, उन्होंने पत्राचार के माध्यम से प्रदेश सरकार को लिखा कि ये काम जो है घाटे का है और जो सरकार जो ये खाना वितरण का काम 2 करोड़ रुपए में कर रही थी, उन्होंने कंपनी के अपने पत्राचार के माध्यम से प्रदेश सरकार को लिखा कि हमें जो है 2 करोड़ रुपए में घाटा हो रहा है, तो इस घाटे की भरपाई के लिए इसको जो है 5 करोड़ किया जाए। और प्रदेश सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे प्रकरण को लेकर और इसमें जो खर्चा इन्होंने मेंशन किया था ठेकेदार ने, इसके ऊपर ना किसी भी प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनाई गई, ना इस पूरे मामले की जांच की गई कि क्या सही मायने में इतना खर्च हो रहा है, क्या सही मायने में जो है जो प्रदेश का सरकार है उस पैसे का जो है सही यूटिलाइज हो रहा है। तो प्रदेश सरकार ने जो है आंखें बंद करके, जो ठेकेदार है जो खुद को माननीय मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है, उसको डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए जो 2 करोड़ में जो सरकार काम कर रही थी, उसको 5 करोड़ रुपए में जो इसको आवंटित किया गया है। हम प्रदेश सरकार से और प्रदेश सरकार के मुखिया से और स्वास्थ्य मंत्री से ये मांग करते हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है अपना स्पष्टीकरण दे, अन्यथा पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय युवा कांग्रेस, हिमाचल युवा कांग्रेस जो है स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेगी और जयराम ठाकुर जी का भी घेराव करेगी, क्योंकि ठेकेदार ने कहा है कि वो जयराम जी का जो है बहुत ही क्लोज है, बहुत ही करीबी है, वो उनके रिश्तेदार हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, हम मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जो है मांग जांच की जाए, ताकि सबके सामने जो है दूध का दूध हो।